हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन देवनाथ और ये है एपिसोड 10। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक वेब पेज में कैसे एक हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इट मींस कि आप अपने कोई भी वेब पेज का या फिर कोई भी वेबसाइट का लिंक अपने एक वेब पेज में कैसे उसको डाल सकते हैं या फिर कैसे उसको लिंक करवा सकते हैं। तो हमने अपना लास्ट प्रोजेक्ट ये किया था, ये रहा, ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था और इसका जो सोर्स कोड है वो रहा ये रहा उसका सोर्स कोड। तो इसी सोर्स कोड के अंदर ही हम एक हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें देना होगा यहाँ पे ए लिख के यहाँ पे href इजिकल टू डबल इनवर्टेड कॉमा। तो अभी href का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि href एक्चुअली में क्या होता है कि आपको बाहर से कोई भी चीज को एक्सेस करना रहेगा तब आपको href कोड का यूज करना रहता है। अगर आपको कोई इमेज में फोटो एक्सेस करना रहेगा तो भी href आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर बाहर से आपको कोई लिंक लानी है तो भी आपको href का यूज करना रहेगा। तो ऐसे ही एच आर ई एफ का यूज करके आप कोई भी बाहर से चीज को एक्सेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है। इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और उसके बाद ए टैग को हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो बीच की जगह है यहाँ पे आपका जो नाम रहेगा लिंक का वो यहाँ पे देना रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूंगा माई न्यू लिंक, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिंक को यहाँ सेव करूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा लिंक को, तो जो लिंक का जो नाम होगा वो ये होगा। ये जो नाम वहाँ पे जो आउटपुट पेज होगा वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और जैसे ही मैं माय न्यू लिंक पे क्लिक करूँगा तो जो लिंक मैंने यहाँ पे सेव की होगी वो ओपन हो जाएगी। तो अभी मैं टेम्परली अपने ही यूट्यूब अकाउंट का पेज आपको खोल के बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे और इसे मैं सेव कर दूंगा कंट्रोल एस और उसे फिर जाके इस पेज को ओपन करूंगा। ये देखिए यहाँ पे माई न्यू लिंक आ चुका है और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, हाँ, अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि आपका जो हाइपर लिंक है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो आप ये देखिए ये नॉर्मली एरो यहाँ पे घूम रहा है, पर जैसे ही आप इसे न्यू लिंक पे जाके क्लिक मतलब रखेंगे इसके ऊपर तो एक हैंड का सिंबल आ जाएगा। इट मीन्स ये हाइपर टेक्स्ट है। यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ अलग पेज आपको दिखने वाला है। इसका मतलब ये होता है, हर जगह ऐसा नहीं होगा। आप मैं जैसे कि यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक हैंड शो नहीं होगा, पर यहाँ पे जाने के बाद एक हैंड शो होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए ये यूट्यूब की लिंक ओपन हो चुकी है। तो जैसे कि आपने देखा ऐसे ही आप कोई भी वेबसाइट का या फिर कोई भी वेब पेज का लिंक आप यहाँ पे डालने से उसे ओपन कर सकते हो। अगर आपने कोई अपने खुद से ही वेब पेज ओपन किया हो, इन्स वेब पेज क्रिएट किया हो, तो उसका भी जो लिंक है वो आप दे सकते हो। कैसे? आप जैसे कि मैंने ये वेब पेज क्रिएट किया है तो जो ये वेब पेज है उसकी जो लिंक वो यहाँ रहेगी। ध्यान से देखिए, उसकी जो लिंक यहाँ रहेगी, हर वेबसाइट की या फिर वेब पेज की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी इस सेक्शन में। तो इसी पूरी चीज़ को आपको कॉपी करके जहाँ पे आपको इसे रन करवाना है वहाँ पे जाके आपको इसे पेस्ट करना रहेगा। समझिए कि मैंने ऐसा सेम टू सेम एक दूसरा वेब पेज क्रिएट किया है, तो उसी का लिंक मैं यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो वो पेज को मैं सीधे सीधे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आपको ये ट्राई करना हो तो ट्राई करके देख लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे सीधे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सीधा आपको आंसर दे दूंगा फटाफट से। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।